तुम्हारा अब इंग्लिश सीखने का समय है, अब तुम्हारा उठने का समय हो गया है। दोस्त, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, जब हम कभी किसी समय के होने का भाव बताते हैं। कभी-कभी आपने बहुत बार सुना होगा किसी को ये कहते हुए कि अब मेरा ये करने का समय हो गया है, तो कभी कहते हैं आप मेरा अब ये करने का समय हो गया है। यानी लोग बहुत बार कहते हैं कि अब मेरा ऑफिस जाने का समय हो गया है, अब उसका उससे मिलने का समय हो गया है, अब उसका काम करने का समय हो गया है, अब हमारा यहाँ से निकल जाने का समय हो गया है। इन बहुत सारी बातों को मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ कि आखिर समय हो गया है किसी चीज़ का को बताने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। मेरा नाम श्रवण है, मैं आप लोगों के साथ मिलकर आज एक नई कड़ी को सॉल्व करने वाला हूँ। दोस्तों, साथ बने रहिएगा ताकि मैं आपको सिखा सकूँ इट इज़ टाइम का पूरा पूरा सही यूज़। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं यूज़ ऑफ इट, खाली जगह यानी कि बी टाइम टू। इसका मतलब ये है सर कि आप कभी भी किसी चीज़ को कहते हैं कि किसी चीज़ का समय हो गया है, या किसी समय किसी चीज़ का समय हो गया था, या किसी चीज़ का समय हो गया होगा, कि जब आप बात करते हैं तो बी के स्थान पर अगर आप हैं की बात करते हैं तो इज़ आर एम लगा देंगे, पास्ट की बात करेंगे यानी था थे थी की तो वॉज वर लगा देंगे, और इस तरीके से आप विल शैल का प्रयोग भी कर सकते हैं। शुरू करेंगे इस चीज़ को। सबसे पहला सेंटेंस आपको कहता है इट इज़ टाइम टू गो ऑन वॉक नाउ। हाँ, आप बहुत बार सुनते हैं कि लोग सुबह सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, तो आप भी अगर उस प्रकार का कोई काम करते हैं तो आप उठने के बाद फ्रेश होने के बाद अपने छोटे भाई या अपने दोस्त को कह सकते हैं नाउ इट इज़ टाइम टू गो ऑन वॉक नाउ, क्योंकि वॉक इज़ हेल्दी एक्सरसाइज फॉर अस, राइट और रॉन्ग। सो अगर आप भी ऐसा कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं इट इज़ टाइम टू गो ऑन वॉक नाउ। उसके बाद जब आप वापस घर पर आ जाते हैं तो आप फिर से कहते हैं, पूरी तैयारी कर लेने के बाद, तैयार व्यार हो जाने के बाद आप कह सकते हैं इट इज़ टाइम टू गेट रेडी फॉर दी ऑफिस। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप कहीं काम करते हैं तो आप ऑफिस के समय से पहले तैयार हो जाते हैं, और फिर आप खाना वाना खा लेने के बाद आप कहते हैं चलो भाई अब तो ऑफिस का समय हो गया है, यानी ऑफिस के लिए तैयार होने का समय हो गया है, तो उस समय आप कहेंगे इट इज़ टाइम टू गेट रेडी फॉर दी ऑफिस नाउ। अगली कड़ी आती है सर आपके लिए, आपके लिए कहीं आप गए हुए हैं और आप किसी को कहना चाहते हैं कि इट इज़ सो मच लेट नाउ आई शुड लीव, तो उस समय आप कहेंगे कि इट इज़ टाइम टू लीव नाउ, यानी कि भाई अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, अब मुझे यहाँ से निकलना है, यानी ये अब निकलने का समय हो गया है। इस तरीके से आप आगे भी कह सकते हैं। इन तीन सेंटेंसों में तो आपने लिख दिया कि इसका समय हो गया है, उसका समय हो गया है, लेकिन अगर आप ऐसे सेंटेंस में ये कहना चाहते हैं कि अब मेरा ये करने का समय हो गया है, अब मेरा वह करने का समय हो गया, अब उसका ये करने का समय हो गया है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप ये करिएगा इट इज़ टाइम फॉर मी, यानी कि अब आपको यहाँ सिर्फ फोर जोड़ना पड़ेगा, मेरा हो गया है तो मी, उसका हो गया है तो हिम, लड़की का हो गया है हिम तो उस हिम की जगह हो जाएगा हर, हमारा हो गया है तो फोर अस, यानी फोर के साथ आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, यानी ये जो टू पहले आ रहा था अब उस टू से पहले फोर प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, तो आप कहेंगे इट इज़ टाइम फॉर मी टू स्टडी बिकॉज इट इज़ 8 o'clock, 8 बज गए हैं, अब मेरा पढ़ने का समय हो गया है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अब मेरा, अब आपने सेंटेंस में किसी व्यक्ति का एक हिस्सा जोड़ दिया है, आप कह रहे हैं मेरा, उसका, हमारा, उनका, तो ये कहने के लिए आपको फोर के साथ ऑब्जेक्ट जोड़ना पड़ता है। दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है इट वॉज टाइम फॉर इंडिया टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। अब आप यहाँ तक जो सेंटेंस आपने देखे हैं वो सारे के सारे इज़ आर एम वाले हैं, यानी कि हैं हूँ हैं के हैं, लेकिन यहाँ देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ मैं वॉज वर्ब की बात कर रहा हूँ, यानी इट वॉज इंडिया, हाँ इट वॉज टाइम फॉर इंडिया, यानी ये भारत के लिए समय था टू फाइट, क्या करने के लिए, लड़ने के लिए अगेंस्ट करप्शन, यानी यह भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए भारत का समय था, यानी भारत को इस समय करप्शन से लड़ना था।
तो इस तरीके से आप मी अस की जगह पर किसी का नाम भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस कम्स टू यू. इट वॉज टाइम फॉर माई फादर टू टेक अ सीरियस डिसीजन अबाउट हिज लाइफ. इसका मतलब ये हुआ कि यह मेरे पिताजी के लिए एक बहुत ही गंभीर निर्णय लेने का समय था उनकी ज़िंदगी के बारे में. यानी जब कभी भी आप ऐसे मुकाम पर आकर खड़े हो जाते हैं व्हेन यू हैव टू टेक अ वेरी सीरियस डिसीजन अबाउट योर फर्दर लाइफ, इन दैट सिचुएशन आप ऐसा कह सकते हैं कि इट वॉज टाइम फॉर माई फादर टू टेक अ सीरियस डिसीजन अबाउट हिज लाइफ. उसमें आप अपने आप को रख कर सेंटेंस भी बना सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इट वॉज वेरी सीरियस टाइम, या फिर इट वॉज टाइम फॉर मी टू टेक अ वेरी सीरियस डिसीजन टू चेंज माई प्रोफेशन. यानी यह मेरा एक ऐसा समय था, एक ऐसा सीरियस समय था जब मुझे मेरा प्रोफेशन चेंज करने का डिसीजन लेना था. इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस आपकी तरफ आता है इट विल बी टाइम टू टेक डिसीजन अबाउट फैमिली. अभी तक आपने देखे ये पास्ट के सेंटेंसेस थे, अब आपके सामने फ्यूचर के सेंटेंसेस आ रहे हैं. तो लिखा हुआ इट विल बी टाइम टू टेक डिसीजन अबाउट फैमिली. यह समय परिवार के बारे में निर्णय लेने का होगा. इसका मतलब ये है कि आप आने वाले फ्यूचर की बात कर रहे हैं. तो क्या लिखा हुआ है इट विल बी टाइम टू टेक डिसीजन अबाउट फैमिली. यानी यह परिवार के बारे में डिसीजन लेने का समय होगा. सो इन दिस वे आप कभी फ्यूचर में भी अपने बारे में कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, जैसे कि आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और आप अब नौकरी की तलाश में हैं आगे आने वाले एक दो महीने में ही, तो आप कहेंगे इट विल बी टाइम टू गेट अ जॉब सून. यानी कि अब ये जल्दी जल्दी नौकरी ढूंढने का समय होगा. इस तरीके से आप कह सकते हैं. लास्ट एंड फाइनल सेंटेंस आता है आपके लिए दोस्तों इट विल बी टाइम टू मेक इंडिया क्लीन कम्प्लीटली इन 2019. यानी 2019 में भारत को पूरी तरीके से साफ करने का यह समय होगा. यानी कहने का मतलब आप 2019 में भारत को पूरी तरीके से साफ करने का एक समय बता रहे हैं. इस तरीके से दोस्तों हमारा वीडियो होता है पूरा आपके लिए. एक मैंने नीचे आभार भी लिखा है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कीप वॉचिंग दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए नए से नए कोशिश करता रहूं कि क्या वीडियो लेकर आऊं. और आपकी भी अगर कोई रिक्वायरमेंट है मुझसे तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसका यूज़ हमें बताइए, तो मैं उसको भी बनाने की कोशिश करूँगा. आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और इसे देखते रहें और अपने दोस्तों तक फैलाते रहें. थैंक यू सो मच.